नाम की लाइन लग रही है, आगे जब आओ तो फिर वहाँ पर गाड़ी के लिए टूट पड़ो, कोई मैनेजमेंट नहीं है। रामबाड़ा आपदा के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ था, पूरी जो कैंप यहाँ पर कैंप कॉलोनी थी सबके सब बह गए थे बेचारे। आप देखोगे घोड़े हैं बिल्कुल यंग, हट्टे कट्टे लड़के लड़कियाँ घोड़े करके पालकी करके जा रहे हैं। अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले ये ग्लेशियर टूटा है, ऊपर से आया, ये देखिए आप, जन्नत है जन्नत। मैं शायद यहाँ से वापस नहीं जा पाऊँगी इतनी आसानी से। क्या जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए आप। हेलो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और पीछे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कुछ भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है, मतलब बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है, कुछ भी नहीं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ मैनेजमेंट नहीं है। वो सोनप्रयाग से पहले ही इन्होंने लाइन लगा ली कि आगे आपको वो मैनेज करके भेजेंगे गाड़ियों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ बस नाम की लाइन लग रही है, आगे जब आओ तो फिर वहाँ पर गाड़ी के लिए टूट पड़ो, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी गौरीकुंड से अराउंड 2 किलोमीटर आगे आ गया, 1.5-2 किलोमीटर, तो सोचा यहाँ रिकॉर्ड करूँ। आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं। हमने स्टार्ट किया है अराउंड 8:16 में गौरीकुंड से, और हम होप करते हैं कि 6 घंटे में ऊपर पहुँच जाएँ, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और मेरे साथ मोनिका है जो कि अभी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेगी। आगे मिलते हैं आपसे। सो अभी हम आ गए अराउंड 2.5 किलोमीटर ऊपर, और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ फर्स्ट साइटिंग ऑफ हिमालयाज। ये देखिए, ये सामने आप देख रहे हैं हिमालयाज, और ये एक पड़ाव पड़ता है यहाँ पर, इस पड़ाव में बहुत सारे लोग बैठते हैं। और आप हैं मोनिका जो मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हैं आज। सो दिस इज द अपडेट। अभी अराउंड हम लोग आ गए 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड से, यहाँ से अभी भी शायद 14 किलोमीटर अभी भी है ट्रैक जो हमने करना है आगे। और मोनिका बहुत खुश है आज की ट्रैक से। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और ये पूरा जत्था जाता हुआ, ये देखिए आप। गाइस अभी हम पहुंच गए रामबाड़ा, कैसे लग रहा है मुझे? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है, थोड़ा सा थक गए हैं। रामबाड़ा आपदा के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान यही हुआ था, पूरी जो कैंप यहाँ पर कैंप कॉलोनी थी सबके सब बह गए थे बेचारे, ये वो जगह। और वो पीछे आपको दिख रहा है ऊपर बेस कैंप, और उसी के बैक साइड में पीछे आपको मिलेगा केदारनाथ बाबा जी का मंदिर। ये उस बाढ़ में इतनी गहरी खाई बन गई थी, वो देखिए आगे तक। देखो कितने छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, दोनों वॉक करके जा रहे हैं। और आप देखोगे घोड़े हैं बिल्कुल यंग, हट्टे कट्टे लड़के लड़कियां घोड़े करके पालकी करके जा रहे हैं। कहाँ से है भैया आप लोग? एमपी। एमपी से है? बच्चे बहुत स्ट्रांग है आपके, बहुत बढ़िया बेटा। हम क्या है वो? बहुत बढ़िया, यमुनोत्री भी किया होगा? यमुनोत्री का। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा ये है गाइस छोटी लिंचोली का टॉप, और ये आप देख रहे हैं यात्रा इज गोइंग ऑन, और अभी तक की यात्रा मजेदार रही है, फन रहा है। इसकी तो वीडियो बनती है। छोटे भाई चने कैसे दिए?
30 के दो लगा दो। ब्लॉग बनाते हो अब मसाला? गौरी शंकर के मसाला चने मजेदार। अभी हम आ गए ऊपर बेस कैंप से नीचे छानी कैंप में और बारिश भी हो रही है उसकी वजह से कीचड़ काफ़ी हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। कीचड़ वाला रास्ता हो गया, हवा भी बहुत तेज चल रही है, लेकिन जो ये जो नज़ारे दिखते हैं थकान कीचड़ ठंड ये सब फीके पड़ जाते हैं इन नज़ारों के सामने। और वो देखिए आप वो सामने उधर पीछे आपको केदारनाथ के थोड़ा सा दर्शन होते हुए, और वो है बेस कैंप जो नंदी कैंप्स करके हैं, हमें वहाँ जाना है। वहाँ से बिल्कुल कोई चढ़ाई नहीं है, वहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे जाना है, बस थोड़ा सा ये हमें थोड़ा सा क्लाइंब। हेलो गाइस, अभी हम पहुँच गए छानी कैंप टॉप और यहाँ से अराउंड होगा 3 किलोमीटर केदारनाथ। ट्रैक काफ़ी मज़ेदार रहा आज का, धूप नहीं थी, बारिश बीच में हल्की हल्की बारिश होती रही तो थोड़ा सा कीचड़ था, बट चैलेंजिंग था नए लोगों के लिए। और कुल मिला के बात यह कि मज़ा आ रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाते हैं पीछे, अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले ये ग्लेशियर टूटा है, ऊपर से आया, ये देखिए आप, तो इसको काट करके इसमें बीच में रास्ता बनाया गया। ये देखिए आप, ये एकदम फ्रेश ग्लेशियर आया था टूट के, ये अभी शायद 2 वीक पहले की बात है। ये देखो नज़ारे, ये है नज़ारे, अमेजिंग। सो गाइस, ये नंदी बेस कैंप 2 है और हम पहुंच गए ऑलमोस्ट केदारनाथ। व्यू तो बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, बहुत मतलब लाजवाब, कोई मतलब शब्द नहीं है, बहुत मेसमराइजिंग है यार। आप ये लगा लो कि चारों तरफ 3 साइड में आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ मिलेगी और एक तरफ ये बहुत खूबसूरत सा बादलों से भरा हुआ व्यू, बहुत मज़ेदार है। मोनिका, कुछ कहना चाहोगे आप इस नज़ारे के बारे में? जन्नत है जन्नत, मैं शायद यहाँ से वापस नहीं जा पाऊँगी इतनी आसानी से। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार व्यू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वो देखो आप बादल भी बहुत ज़्यादा मतलब मैजिकल लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोग जब नीचे से चले तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम क्लियर, बहुत ज़्यादा साफ मौसम। ये देखो, हालांकि कुछ लोग अभी पहुँचो पहन के चल रहे, मुझे लगता नहीं है तो ज़रूरत है, शायद ठंड की वजह से पहन रहे होंगे या स्वेटिंग हो रखी है, चाहते नहीं है कि एकदम हवा लग जाए। ये देखिए बहुत खूबसूरत, अभी आपको मैं दिखाता हूँ मंदिर के नज़ारे, मंदिर में और ज़्यादा खूबसूरत बैकग्राउंड देखने को मिलता है हमको। अब सीधा मंदिर में मिलते हैं आपको।
काफी गंदा है। मैं कल से जो बोल रही थी कि हम सेम टाइम पहुंचेंगे वो ही है। ये बोला है ना, बोलो बाबा जी बोलो, अरे बाबा जी तिलक लगा रहे हो? तीन साधु है, तीसरा तरह करा मैं आज बाबा को 100 रुपए का खाना खुला दी। अच्छा बहुत बढ़िया। सो अब ये माए केदारनाथ मंदिर से दर्शन करके और अभी जा रहे हैं भैरव बाबा की तरफ, जो कि वो पीछे हमारे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये देखिए आप। बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, झूलते हुए जा रहे हो? ग्रेट। हेलो, वीडियो बन गई।